वेलकम स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। अपनी पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर 9 के बारे में, जिसमें हमने उसका कुछ पार्ट पढ़ लिया था, कुछ पार्ट उसका जो रिमेनिंग है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार पिछले जो चैप्टर है उसका थोड़ा सा, जो पिछला पार्ट है चैप्टर का, उसके बारे में थोड़ी सी एक रिविजन हम कर लेते हैं। हम जानना चाह रहे थे कि सदाचार के अंदर कौन कौन से जो ऐसे आचरण होते हैं उनको आप सदाचार में शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईमानदारी जो होती है उसको हम सदाचारी व्यक्ति का गुण मानते हैं। झूठ नहीं बोलना एक सदाचारी का गुण होता है। हमेशा सत्य बोलना एक सदाचारी के लिए आवश्यक है। सदाचारी का मतलब, बार बार मैं सदाचार वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका मतलब अच्छे आचरण से है। चैप्टर के शुरू में मैंने बताया, इसको दो टुकड़ों में हम बांटेंगे, तो एक होता है सत, एक होता है आचार। सत का मतलब अच्छा, आचार का मतलब आचरण या व्यवहार। तो अच्छा जो व्यवहार होता है उसको सदाचार कहते हैं, और अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को सदाचारी कहते हैं। जो बुरा व्यवहार करते हैं किसी के साथ उसे दुराचारी कहते हैं। ये इसका अपोजिट वर्ड है। तो इससे आगे हम शुरू करते हैं आज का। सदाचारी व्यक्ति जहां भी जाता है प्रसन्न रहता है। हम अभी पेज नंबर 10 पर हैं, आप देख सकते हैं। इसके सबसे टॉप पार्ट से हम शुरू करने वाले हैं आज। सदाचारी व्यक्ति जहां भी जाता है प्रसन्न रहता है और अपने संपर्क में आने वालों को भी प्रसन्नता देता है। जो व्यक्ति अच्छे आचरण करने वाला होता है वो जहां भी जाता है खुद भी प्रसन्न रहेगा, खुद भी हैप्पी रहेगा, और जो साथ वाले होते हैं, जो मिलने वाले होते हैं, उन्हें भी हैप्पीनेस बांटता है। जब आप खुद हैप्पी होंगे तभी आप हैप्पीनेस बांट पाएंगे। अगर आप खुद दुखी होंगे ना, तो आप किसी के भी हमेशा दुख का कारण बनेंगे। आप उसको हैप्पीनेस नहीं दे सकते, आप उसके लिए खुशी का कारण नहीं बन सकते। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है। सद्गुण का मतलब अच्छे गुण, सद्व्यवहार का मतलब वही सदाचार से है, का भंडार होता है, यानी उनके अंदर सद्गुण और सद्व्यवहार बहुत अच्छे से भरा हुआ रहता है। बहुत सारा अच्छे गुण उनके अंदर होते हैं। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, वह निर्भय होता है। निर्भय का मतलब किसी से डरता नहीं है। जो अच्छा आचरण रखता है, जिनमें अच्छे गुण होते हैं, जो झूठ नहीं बोलता है, जो ईमानदार होता है, वो किसी से भी नहीं डरता है। विपत्तियां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती हैं। विपत्तियों का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जो संकट होते हैं, समस्याएं होती हैं, वो हर किसी के जीवन में आती हैं। आज की तारीख में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, लेकिन प्रतिकूल का मतलब होता है जो अपने अनुकूल नहीं हो, अपने अनुसार नहीं हो। जो चीज़ें अपने को वर्तमान में, जैसे मान लीजिए आपके लिए हम बात करें, तो आपके पास जैसे यहाँ पढ़ने के लिए जब आप आते हैं घर से, तो आपके पास ऑटो होना चाहिए या फिर कोई बाइक होनी चाहिए जिस पर पापा या मम्मी आपको स्कूल छोड़ करके जाएं। सपोज करिए आपके मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो ऑटो आपके लिए लगा सकें, या फिर उनके पास बाइक नहीं है जिससे आपको वो छोड़ के जा सकें। तो वो सारी जो परिस्थितियाँ होंगी ना, उनको हम प्रतिकूल परिस्थितियाँ कहेंगे, या उनको कहेंगे कि वो अपने अनुसार, हमारे अनुसार वाली परिस्थितियाँ नहीं है। हमें ऐसी परिस्थितियाँ चाहिए ताकि हम स्कूल जा सकें, लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें हम स्कूल जा ही नहीं सकते। हमारे पास ऑटो नहीं है, ऑटो को देने के लिए पैसे नहीं है, या फिर बाइक नहीं है, तो हम स्कूल कैसे जाएंगे? तो वो हमारे अनुसार परिस्थितियाँ नहीं कही जाएंगी, और उनको हम कहेंगे प्रतिकूल परिस्थितियाँ। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो उनसे भी मुकाबला करने की क्षमता रखता है। ये क्वालिटीज बताई जा रही हैं कि एक सदाचारी व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा, यानी कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, वो सबका हंस करके मुकाबला कर लेगा। जिसमें अच्छे गुण होते हैं, जिनका अच्छा व्यवहार होता है, वो सभी प्रकार की समस्याओं का अच्छे से मुकाबला कर सकता है। उसमें असीम धैर्य एवं सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। धैर्य का मतलब आप जानते हो, पेशेंस किसी चीज़ को लेकर के आप में है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, एक बार में सफलता नहीं मिलती, आप कोई कंपटीशन क्लासेस के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, हो सकता है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिले, सेकंड में नहीं मिले, तो आप में धैर्य रहना चाहिए, आप में पेशेंस रहना चाहिए उस चीज़ को पकड़े रखने के लिए कि नहीं, मैं एक बार दोबारा से उसी चीज़ को लेकर मेहनत करूँगा, और हो सकता है अगली बार मैं उसमें सफल हो जाऊँ, या नहीं भी होऊँगा तो अगली बार फिर से मेहनत करूँगा। तो किसी चीज़ को लेकर के जो धैर्य है वो हमें रहना चाहिए। सहन शक्ति, किसी चीज को सहन करने की क्षमता।
जैसे महान गुण उसमें होते हैं, परोपकार करना, परोपकार का मतलब होता है दूसरों का भला, पर प्लस उपकार, जिस तरह से हमने पिछली क्लास में सत और आचार पढ़ा था उसी तरह से पर और उपकार ये दो टुकड़ों में हो गया, पर यानी दूसरों का और उपकार का मतलब हो गया भला, या आप कह सकते हैं भलाई, दूसरों की भलाई करना जो होता है उसको कहते हैं हम परोपकार। वह अपने कार्यों से सदा दूसरों का भला करता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। जो झूठ नहीं बोलेगा विश्वास तो उसी पे करेंगे ना, जो बच्चा झूठ बोलेगा उस पर टीचर कभी बिलीव नहीं करेंगे, आप देखना कभी क्लास में भी नोटिस करेंगे। इसी तरह से आप समाज में रहते हैं, समाज में आपका व्यवहार ऐसा है कि सब ये मानते हैं कि वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलता है, तो आपकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अगर आप सच बोलते हैं, आप ईमानदार हैं, तो सब आपकी बात मान लेंगे। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र यानी कि सब जगह पूजा जाता है। जिस व्यक्ति में सदाचार होगा, जिस व्यक्ति में अच्छा आचरण होगा, वो कहीं भी जाए पूजा जाने का मतलब लोग उसको ग्रीट करेंगे, लोग उसका सम्मान करेंगे जहाँ भी जाएगा। सदाचार सफलता का मार्ग है। देखो आप रीडर के अंदर जब देखेंगे ना, तो एक दादाजी हैं, उनको एक छोटा सा बच्चा रोड क्रॉस करवा रहा है, तो यह एक सदाचार का गुण है। जब आप जाते हैं रोड पे और आपको दिखता है कि एक दादाजी एक रोड के एक साइड खड़े हुए हैं, उनको बहुत कम दिखता है या बहुत धीरे से उनको उनसे चला जा रहा है, जब व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंच जाता है ना, तो उनके लिए बहुत तेज बहुत जल्दी जल्दी चलना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उस जगह जब आप ये चीज़ देखते हैं तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए रोड क्रॉस करने में, उनका हैंड होल्ड करके और आपको रोड क्रॉस करवानी चाहिए। तो ये सदाचार का एक गुण है। सदाचार सफलता का मार्ग है। मार्ग का मतलब अगर आप में अच्छा आचरण होगा तो आप सक्सेस की तरफ आराम से जा सकते हैं, आपको हेल्प करेंगे सब, जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। सदाचार के बल पर असीम, असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं। असीम का मतलब होता है बिना सीमा वाला, यानी जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती ऐसा। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। जो सदाचारी व्यक्ति होता है, सामर्थ्य का मतलब कैपेसिटी आप कह सकते हैं, तो असीम शक्ति को प्रकट करने वाला, सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष, महान महापुरुष का मतलब हुआ महान पुरुष, एक ऐसा पुरुष जो अन्य पुरुषों की तुलना में महान होता है, अच्छा होता है, उसको हम महापुरुष बोलते हैं। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है, जो महान काम करता है उसे ही महापुरुष कहेंगे। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं, उन्हें हम अपने जीवन में इस तरह से मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, उनके हिसाब से बनना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो वो कब होगा? जब आप सदाचारी होंगे, जब आप महान कार्य करेंगे और महापुरुष की श्रेणी में आ जाएंगे, तो लोग आपको देख करके आपसे सीखना चाहेंगे। उनका व्यवहार सदव्यवहार अनुकरणीय होता है। अनुकरणीय का मतलब होता है किसी चीज़ को सेम वैसे कि वैसे उसका पीछा करना, उसको रिपीट करना। जैसे मान लीजिए आपके टीचर हैं, उनकी फॉर एग्जांपल किसी टीचर की गंदी आदत है झूठ बोलने की, अगर उनके बच्चे उनसे पढ़ते हैं तो वो हो सकता है कि उस टीचर को अनुकरण करते हुए उनके जैसे ही बन जाएं। अनुकरण का मतलब ये मान सकते हो कि आपके व्यवहार को देख करके किसी दूसरे ने जो सीखा उसी से सीखा, किसी के पीछे पीछे चलने जैसा है ये एक तरह से। मैं आगे चल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने झूठ बोलना शुरू किया, मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ वो भी झूठ बोलना शुरू कर दें, मैंने ईमानदारी से बात करना शुरू की तो हो सकता है मेरे पीछे मेरे जो स्टूडेंट हैं वो भी ईमानदार बन जाएं। तो वो अनुकरण करना होता है, हम किसी को हूबहू उसके जैसा हम बनना चाहते हैं, उसी के जैसे सारे काम करते हैं, तो वो अनुकरण करने की प्रवृत्ति होगी।
हमें परस्पर सदव्यवहार करना चाहिए। सदव्यवहार यानी अच्छा व्यवहार ही वास्तव में सदाचार। ठीक है, ये हमने सदाचार वाला एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, सदाचार किसे कहते हैं? तो मैंने चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताया था, आप अपने आप से इसका आंसर राइट करेंगे। आई होप देयर इज नो नीड टू रीड नोट डाउन द आंसर ऑन द बोर्ड। सो मैं एक बार बता देता हूँ, सुन करके आप लिखने का प्रयास करना या फिर अपने आप से आप ढूंढ करके लिखेंगे। सदाचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार या अच्छा आचरण। तो आप बोलेंगे किसी के अच्छे व्यवहार या अच्छे आचरण को ही सदाचार कहते हैं। किसी के अच्छे व्यवहार या अच्छे आचरण को ही सदाचार कहते हैं। इसके बाद है विपत्ति में क्या करना चाहिए, हमें विपत्ति में क्या करना चाहिए। तो इसमें चैप्टर के अंदर शुरू में हम जब देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है हमें विपत्ति में धैर्य रखना चाहिए। विपत्ति में क्या करना चाहिए, हमें विपत्ति में धैर्य रखना चाहिए, विपत्तियों का मुकाबला करना चाहिए। और वो कब होगा, जब आपका व्यवहार आपका आचरण अच्छा होगा तभी आप में ये सारे गुण डेवलप होंगे। तो सबसे मेन जो इसका मेनली आंसर है वो ये कह सकते हैं हम कि हमें विपत्तियों का धैर्य से मुकाबला करना चाहिए। थर्ड वन, सद्गुण से क्या तात्पर्य है। जो अच्छे गुण होते हैं उन्हें सद्गुण कहते हैं। फिर जैसे करके लिखेंगे, झूठ नहीं बोलना, ईमानदार रहना, अपनी सेवा के प्रति, अपने समाज के प्रति, इसके अलावा किसी आवश्यक जो जानवर होता है या मनुष्य होता है, कोई भी ऐसा मनुष्य या जानवर जिसको आपकी हेल्प की आवश्यकता है, आप उसको सहायता करते हैं, तो वो सारे सद्गुण में आप उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, तो सद्गुण के अंदर बोलेंगे अच्छे वाले गुण। और अच्छे वाले गुण कौन कौन से होते हैं, झूठ नहीं बोलना यानी कि हमेशा सत्य बोलना, किसी को परेशान नहीं करना, दूसरों की भलाई करना, ईमानदार रहना, ये सारे। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो सबसे पहला ए वाला जो रिक्त स्थान है, मनुष्य एक, उसके बाद ब्लैंक है और फिर लिखा हुआ है समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है। तो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। जो सबसे पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स आएगा उसके अंदर आएगा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। फिर अगला है सदाचारी बनने के लिए, उसके बाद ब्लैंक है, होना आवश्यक है। अगर आपको सदाचारी बनना है तो आपका क्या होना आवश्यक है। तो जब आप चैप्टर के अंदर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। क्या आवश्यक है, ईमानदार होना। ये ऐसे क्वेश्चन थे जिनको आपको आवश्यकता भी नहीं थी बताने की, लेकिन फिर भी मैंने डिस्कस किए हैं ताकि किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो। इसके अलावा हम अगले वाले जी क्वेश्चन के बारे में बात करें तो वो है सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। ये सेकंड वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स हमने कर लिया था। इसके बाद है सही उत्तर का क्रमाक्षर छांट करके कोष्टक में लिखिए, फिल द ब्रैकेट विद द राइट ऑप्शन। उसके अंदर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है उत्तम व्यक्ति के गुण, तो उसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं गुरुजनों का आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना और उपयुक्त सभी। तो ये जो सारे वाले हैं उदाहरण, वो सारे किस में आ जाते हैं, उत्तम व्यक्ति के गुणों में शामिल है, जैसे कि गुरुजनों का आदर जो करना होता है, मधुर बोलना, विनम्र रहना, सारे। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है, तो हमने देखा था सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो गया है वो वाला। व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है, व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है, तो उसके अच्छे व्यवहार से, किसी के भी अच्छे व्यवहार से हम उसके सदाचारी होने की पहचान कर सकते हैं। चैप्टर के अंदर से आप देख लेंगे सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं। तो सदाचारी व्यक्ति गुरुजनों का आदर करता है, सदाचारी व्यक्ति दूसरों की हेल्प करता है, सदाचारी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, सदाचारी व्यक्ति किसी को परेशान नहीं करता है, सदाचारी व्यक्ति ईमानदार होता है, ये सारे गुण उसमें होते हैं। उसमें बहुत धैर्य होता है,
एक दूसरे की मदद करने का, सबके साथ मिलकर के रहने का भाव होता है। तो ये सारे गुण आप देख करके लिखेंगे अपने आप। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता है? प्रतिकूल परिस्थितियां का मतलब मैंने एक बार आपको चैप्टर पढ़ाते समय बताया था ना कि जब उसके अनुसार परिस्थितियां नहीं होती तो भी जो सदाचारी व्यक्ति होगा, अच्छे आचरण वाला व्यक्ति होगा, उसके अंदर बहुत सारा धैर्य, उसके गुण जो ऐसे होते हैं ना उसकी वजह से उसमें बहुत सारा धैर्य और सहन शक्ति डेवलप हो जाती है, सहन शक्ति का विकास हो जाता है। सहन शक्ति का मतलब सहने की शक्ति, असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा धैर्य। तो ये सारे गुण जिसमें होते हैं वो विपत्तियों को देख करके डरता नहीं है, सबका मुकाबला कर सकता है। फिर अगला है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता? हमने अभी बताया क्योंकि उसमें बहुत सारा धैर्य और असीम सहन शक्ति होती है, इस वजह से वह विपत्तियों का मुकाबला करता है और उनसे परेशान नहीं होता है। सदाचार सफलता का मार्ग है कैसे? सदाचार इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाचार सफलता का मार्ग है कैसे? सदाचार सफलता का मार्ग कैसे है? तो इसमें हम बात करेंगे कि जो अच्छे आचरण वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें समाज में इज्जत मिलती है, उनका सम्मान होता है, उनको उनका आदर किया जाता है। तो जब आप में सारे अच्छे गुण होंगे तो आप में और भी कई ऐसे गुण विकसित हो जाते हैं जिनसे आप हर समस्या का अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं। आप मेहनत करते हैं ज़िंदगी में तो आप अपने आप से सफल होने की तरफ बढ़ते हैं, आपकी हर चीज़ धीरे धीरे अच्छी से और अच्छी होती जाती है। ये सारी चीज़ें आप चैप्टर से ढूंढ करके लिख लेंगे बेटा ना, मैं केवल आपका हेल्प करने के लिए आंसर कर रहा हूँ। महापुरुष हमारे आदर्श हैं क्यों? क्योंकि महापुरुष के जो अच्छे वाले गुण होते हैं उन्हें देख करके हम उनको सीखना चाहते हैं, उनके पीछे पीछे बढ़ना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके गुण हमेशा अच्छाई की तरफ ले जाने वाले होते हैं, आपको सफलता दिलाने वाले होते हैं। इसी वजह से हम महापुरुषों का अनुकरण करते हैं, हम उनकी बातें मानते हैं, उनको आदर्श के रूप में समझते हैं। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।